गांव की कड़ी में आगे हम बढ़ते हुए डॉक्टर श्री आयुष गोयल सर पीएचडी फ्रॉम नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी ताइवान से नम्र निवेदन है कि आकर के अपने ज्ञान के सब कुछ शब्द दें। नमस्कार हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा तिवारी जी को और यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथियों को मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए और कुछ दो शब्द कहने के लिए। मैं क्योंकि ये पुस्तक दिवस है, मैं आज ऐसी पुस्तक के बारे में बात करूँगा जिसे आप सब जानते हैं लेकिन आपने शायद ही उसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। उसका नाम है भगवद्गीता। तो हम आज थोड़ा सा भगवद्गीता के बारे में चर्चा करें। भगवद्गीता क्या है? भगवद्गीता भगवान का गाया हुआ गीत है। ये स्वयं भगवान कृष्ण के बताए हुए शब्द हैं। भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय में कि यह जो विज्ञान है ये ज्ञान नहीं है, इट इज अ साइंस, इट इज नॉट जस्ट अ फिलोसॉफिकल क्रूड फिलोसॉफी, इट इज अ नॉलेज, इट इज अ साइंस। यह समय के साथ लुप्त हो चुका था और इसीलिए वह दोबारा हमें उस विज्ञान को दे रहे हैं। इट इज अ ग्रेट बून टू ह्यूमैनिटी, हमें मानवता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। पर यदि इसे हम अगर मानसिक चिंतन समझा जाए, इसे हम फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन या फिलोसॉफिकल टीटी समझा जाए तो वह उसका अपमान करना होगा, वह सिर्फ एक समय व्यर्थ करना होगा। तो इसीलिए यथारूप के रूप में उसको समझना जरूरी है। आज मार्केट में बहुत सी भगवद्गीता है, अलग अलग लेखकों ने उसको अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की है, लेकिन भगवान जो कृष्ण जो कहना चाहते हैं उसको यथारूप तरीके से उसको लेना जरूरी है। मान लीजिए आप मार्केट से एक मोबाइल खरीदते हैं और उसमें आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे ऑपरेट करेगा, इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैमरा की क्या क्वालिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कैसे मालूम करेंगे? उस कंपनी जो जिससे आपने मोबाइल खरीदा है वह एक मैनुअल प्रोवाइड करती है। उस मैनुअल को आप देखेंगे, आप तुरंत बता देंगे कि इसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए अच्छा है। वैसे ही हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। दिस शरीर इज ऑल्सो अ डिवाइस, इट इज ऑल्सो अ यंत्र। कृष्ण कहते हैं यंत्र गुणानी मायाया। तो इस यंत्र को कैसे उपयोग करना है, इसका क्या यूज़ है, इसको क्यों बनाया गया है, कैसे ये जानवर बाकी जानवर के यंत्र से अलग है, इसके बारे में भगवद्गीता में चर्चा की गई है। इसीलिए भगवद्गीता को पढ़ना, अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। भगवद्गीता में टोटल 5 विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई। पहला है ईश्वर, कौन है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। दूसरा है जीव, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में जाते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। वो व्यक्ति बोलता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ से चढ़ा हूँ। बोलेंगे अच्छा आप कहाँ पर उतरेंगे। वो कहेगा कि मुझे ये भी नहीं पता। तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को हम मूर्ख कहेंगे कि आप, अरे इसको ये भी नहीं पता वो कहाँ से चढ़ा है, कहाँ से उतरेगा। यदि मान लीजिए कि आप में से किसी व्यक्ति से पूछा जाए जिसकी उम्र 30 वर्ष है, आप 35 साल पहले कहाँ थे, आप बोलेंगे मुझे पता नहीं। आपसे पूछा जाए अच्छा आप 80 साल बाद कहाँ होंगे, आप बोलोगे कुछ अनुमान नहीं। तो यह प्रश्न जो है बहुत मूलभूत प्रश्न है हमारे जीवन की, जिसके बारे में भगवद्गीता में चर्चा की गई है। तो पहला था ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति। दिस मटेरियल वर्ल्ड, दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये दुनिया क्या है, कौन इसको नियंत्रित कर रहा है, कैसे ये चल रही है। वो सारे वैज्ञानिक, वी ऑल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, हम इसको जानने की उसमें है कि हम कैसे इस प्रकृति को किसने बनाया है, कैसे ये मेंटेन हो रही है, किसको कैसे ये ऑर्गेनाइज हो रही है। चौथा है काल, ये काल चक्र क्या है। हमें याद होगा कि हम बचपन में छोटे से थे, खेला करते थे, हमारी विचार भी अलग होती थी। अब हम बड़े हो गए, जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, समय बदल चुका है। हाल ही में हमने देखा कि कोविड आके गया है, तो अलग अलग समय होता है। तो ये काल चक्र क्या है। और पांचवा है कर्म, ये कर्म क्या है, कर्म के क्या नियम होते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में हम अलग अलग लॉस पढ़ते हैं, वैसे ही कर्म में भी एक लॉ है जो कि हर एक जीव जंतु पे लागू होता है। तो ये कर्म के क्या नियम है, अच्छे के साथ बुरा क्या होता है, बुरे के साथ अच्छा क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके बारे में भगवद्गीता में चर्चा की गई। तो आज हम जीव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
क्योंकि समय कम है। तो जीव क्या है, हम कौन है, हम क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जिनको हाल ही में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी 125वीं सालगिरह में उनको सम्मानित करते हुए 125 रुपए का सिक्का घोषित किया था, वे MIT यूनिवर्सिटी गए थे, विश्व की सबसे उच्च कोटि की यूनिवर्सिटी, टॉपमोस्ट कॉलेज। वहाँ पे सभी एकलकृत छात्र और अध्यापकों से पूछा था, उनसे एक प्रश्न किया गया था कि क्या आपके पास में कैसी तकनीक है जब जिससे आप एक मृतक शरीर को जीवित बना सकते हैं, जीवित शरीर बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि मृतक और जीवित शरीर को एक ही जैसा दिखता है, क्या ऐसा क्या अंतर है उसमें? आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई इसके बारे में उत्तर नहीं दे पाया। तब प्रभुपाद ने कहा था कि हम वास्तव में शरीर नहीं है बल्कि हम एक आत्मा है। उसी दौरान एक रिसर्च हुई थी जिस रिसर्च में बताया गया था कि हम वी ऑल नो दैट मैटर इज देयर, मैटर हैज प्रॉपर्टीज, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज ऑल्सो देयर। उसी तरह से एक एंटी मैटर पार्टिकल भी होता है जिसकी प्रॉपर्टीज मैटर से विपरीत होती है, अलग होती है। मैटर को मैटर इज डिस्ट्रक्टेबल, इट कैन बी डिवाइडेड। इसके बारे में भी भगवद गीता में बताया गया है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, भले ही वो प्लैनेट हो, भले ही वो पेड़ हो, कुछ भी हो, उसका एक जन्म होता है, वो थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद में मुरझा जाता है और उसके बाद में उसका नाश हो जाता है। लेकिन एंटी मैटर इज ऑल्सो अ पार्टिकल। एंटी मैटर वो है जिस जो विनाश, इट इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल, इट इज नॉट डिविजिबल। सेम कृष्णा इज सेइंग इन सेकेंड चैप्टर इन द दूसरे अध्याय में, जब अर्जुन विचलित हो चुके थे, उसके हाथ से गांडीव गिर रहा था, वो बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, तब कृष्णा कह रहे थे कि तुम फालतू में ही विचलित हो रहे हो, आप जितने भी यहाँ पे देख रहे हो दे ऑल आर जस्ट बॉडीज, ये सिर्फ शरीर है, असल में तो आत्मा है, हम एक आत्मा है। वो कहते हैं देही नो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। हम एक देह है, ये बॉडी है, इसके भीतर एक देही है जो कि हम है, जो आत्मा है। हम जैसे कि एक बच्चे से एक युवा का शरीर धारण करते हैं, वैसे ही हम बुजुर्ग होते हैं और वैसे ही मृत्यु हो जाती है और वो एक दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो यह ज्ञान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोविड में आज हम देख चुके हैं कि बहुत सारे प्राण गए थे वहाँ पर। हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है उस व्यक्ति के साथ में। उसको एक नया शरीर मिल रहा है, हमें तो उल्टा खुश होना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उसको एक नया शरीर मिलने वाला है। हम उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उसके लिए कुछ ऐसा कुछ कोशिश करनी चाहिए कि वह उसको अगले जन्म में अगला अच्छा शरीर मिले, अच्छा ज्ञान मिले एंड ऑल। तो हम कौन है? हम एक जीव नहीं है, हम एक आत्मा है। आगे भगवद गीता में बताते हैं कि बद्ध जीव जो है तो उसके दो शरीर होते हैं, दो प्रकार के शरीर होते हैं। टू टाइप्स ऑफ बॉडीज, देयर आर ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, स्थूल एंड सूक्ष्म शरीर। स्थूल बॉडी जो है, जो हम देख सकते हैं, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये पांच धातुओं से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, आकाश वैक्यूम, वायु एयर, नीर मींस पानी, अग्नि मींस फायर एंड भूमि मींस अर्थ। और सो अब कह सकते हैं इसको सॉलिड लिक्विड एंड गैस, बस इसमें दो धातु और इंक्लूडेड है वैक्यूम एंड फायर। वैसे सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसको सटल बॉडी कहते हैं, जो कि 3 धातुओं से बना होता है, माइंड इंटेलिजेंस ईगो, मन बुद्धि और अहम या अहंकार। और यह जो दो प्रकार की बॉडी है यह आत्मा से अलग है, ये आत्मा की एक्चुअली में कवरिंग है, ये आत्मा को पकड़े रखती है, जकड़ के रखती है। ये सब विनाशकारी है लेकिन आत्मा विनाशकारी नहीं। भगवद गीता में आगे बताते हैं कि जीवन को प्रबंधित करने के लिए, टू मैनेज प्रॉपरली आवर लाइफ, खुश रखने के लिए हमारे जीवन, हमारे मन का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। मन को अगर हमने नियंत्रित कर लिया तो हम जीवन में सब कुछ प्रबंधित कर सकते हैं, अब अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको सबसे अच्छे होटल में एक सबसे अच्छा कमरा दिया, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा खाना है, ऑल 4G 5G वॉट एवर यू वॉन्ट, सारी चीज़ें हैं उसमें। आपका मन करेगा कि मैं तुरंत उस रूम में चले जाऊँ फ्री में,
परंतु मेरी एक शर्त है, मैं वहाँ पे कोबरा सांप छोड़ूँ, तो क्या आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? आप बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। सिमिलरली वैसे ही हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर एक मन रहता है जो कि कोबरा सांप की तरह है, नियंत्रित हमें परेशान करता रहता है, हमारी सफलता में बाधा डालता रहता है, और इसके बारे में आज कोई चर्चा करता नहीं है। हाउ टू इंक्रीज आवर डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, हाउ टू बिकम डिसिप्लिन इन लाइफ, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मेडिकल साइंस सेज कि मन एक दिन में 60,000 विचार उत्पन्न करता है, जिसमें से 75% आर यूजलेस। तो इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए बहुत जरूरी है। मन कभी कभी अच्छे ख्याल देता है, कभी कभी बुरे ख्याल देता है। तो भगवद गीता बताते हैं कि अगर हमने इस मन से मित्रता कर ली तो हम उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। परंतु अगर हमने इस मन से शत्रुता कर ली तब हम हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। आज समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, ये सिर्फ उसका सिर्फ मूल कारण है अनियंत्रित मन। सो भगवद गीता में बताया गया है इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। जब भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को मन के स्वभाव के बारे में, तब अर्जुन पूछते हैं, बोलते हैं 6th अध्याय में, चंचलम ही मन कृष्ण, दैट माय माइंड, मेरा जो मन है वो बहुत चंचल है, ये बहुत ही ताकतवर है, हवा के वेग से भी ज़्यादा ताकतवर है। इट इज़ ईजी टू कंट्रोल एयर रेदर देन कंट्रोलिंग माई माइंड। इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे इसको नियंत्रित करूँ? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये वैराग्येन च क्रियते। मीन्स हे अर्जुन, इस मन को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो उपाय है वो है अभ्यास एंड डिटैचमेंट, वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। जैसे कि आज हम सबके पास में मोबाइल फोन होगा, आपने डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा। हम सब का अनुभव होगा कि हमें कभी कभी ये विचलित करते हैं, परेशान करते हैं, अलग अलग विचार लाते हैं हमारे मन में उसके जरिए। आज ये मामूली सी बात है, तो हम इसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए? तो हमको थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया से संन्यास लेना पड़ेगा, मोबाइल से हमें थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। आइए हम भगवद गीता के एक सुंदर तथ्य के बारे में डिस्कस करते हैं, एक मॉडल, एक शीर्षक। उसमें अपने शरीर को एक रथ के समान बताया गया है, रथ, चैरियट। उसमें जो आगे 5 घोड़े हैं वो हमारे 5 इंद्रियों के समान है, जो उस घोड़े को पकड़ा हुआ है, जो लगाम है वो हमारे मन के समान है, और जो उस लगाम को पकड़ा हुआ है साथी, वह बुद्धि है, और जो सफर कर रहा है उस रथ पे वो है हम, जो वो है आत्मा। तो उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को नियंत्रित करने के लिए हमें हमारा मन की ज़रूरत पड़ेगी। मन का शुद्ध होना ज़रूरी है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें शुद्ध बुद्धि, नॉलेज एंड कंट्रोल की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी आत्मा की। आज हम विद्यालय में, महाविद्यालय में सब नॉलेज ग्रहण करते हैं, वी ऑल आर स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेस, वी ऑल आर हैविंग अ मेंटल प्लेटफॉर्म। हम सबको पसंद होगा, वैज्ञानिकों को जनरली पसंद होता है, लेकिन उससे भी ऊंचा एक स्तर होता है, जैसे कि शेखर सर ने भी बात करी थी, आध्यात्मिक स्तर। तो वैसे जैसे हम अपने ब्रेन को, मेंटल माइंड को हम फूड प्रदान करते हैं, नॉलेज प्रदान करते हैं, वैसे ही आत्मा का भी भोजन होता है, विच इज़ द मिसिंग लिंक इन दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन। हमारे सेल्फ को जानना, उसको भोजन देना, वॉट इज़ द फूड फॉर द सोल, दैट इज डिस्कस इन भगवद गीता, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। दुर्भाग्यपूर्वक हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में इसके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं की जाती है, इसको करिकुलम में नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। और क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा, और आप सभी से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ भगवद्गीता को आपको पढ़ें, उसका अध्ययन करें, इसके बारे में चिंतन करें, उसके बारे में चर्चा करें। और जैसे कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसको अपने जीवन में लगाने का एप्लीकेशन, रीडिंग, डिस्कशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे जितना हो सके उसको लगाने की कोशिश करें, अपना जीवन साथ रखें।
अभी हम सबको सर ने भागवत गीता के महात्म्य के बारे में बताया। भागवत गीता की जिस पुस्तक के बारे में सर ने चर्चा की यथा जो वो भक्ति वेदांताचार्य ऋषि प्रभुपाद महाराज की है, और उसमें उन्होंने जैसा वर्णन किया है गीता का, उन्होंने बताया है कि गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का तरीका बताया है, लेकिन जो उसकी सबसे सरलतम तरीका है वह है भक्ति योग। आप भक्ति, चाहे वो आपकी ईश्वर के प्रति हो, चाहे आपकी अपनी पढ़ाई के प्रति हो, चाहे अपने करियर के प्रति हो, आपका जो भी टारगेट है आपकी उसके प्रति भक्ति होगी तो आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसी को बताया है कि आप भक्ति योग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सर ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि शरीर हमारा रथ है, हम इसको अपने साथ देख सकते हैं। आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को देखेंगे तो समझेंगे कि जो सर ने अभी बोला, हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह रथ की तरह है। जो इंद्रियां हैं हमारे, जो घोड़े हैं, वो सही तरीके से दौड़ेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे सही दिशा में। सर ने जो बात बोली, हम जिसे सब समझते हैं कि गीता हम क्यों पढ़िए, आखिर गीता को पढ़ने का जरूरत क्या है, तो सर ने बोला एक बात सबसे शुरू में बोली थी कि गीता कोई एक जान नॉर्मल नहीं है, कोई फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, यह है साइंस। आप इसको समझने के लिए आपने सुना होगा पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा था योग सूत्र नाम से, उसमें 8 तरह के योग का वर्णन किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता में इन्हीं 8 तरह की, जैसे यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, धारणा, समाधि, इन सभी तरह की चीज़ों का उसमें वर्णन किया है। तो भगवद गीता जो हमारी आज पुस्तक दिवस पर है